अब इस बंदे को इतनी भयंकर बीमारियां लगी कि ये मौत की शैया पे, जब ऐसा लगने लगा कि कुछ बचा ही नहीं है जीवन में तो मैं करूं क्या यार, इसने अपने लॉयर बुलाए, अकाउंटेंट, मैनेजर सब बुलाए और बोला कि ऐसा है यार, मैं ना समाज में दान करना चाहता हूँ सब कुछ। बोले कैसी बातें कर रहे हैं आप? बोले क्या बताऊं, मेरे साथ हादसा हुआ, मैं विवेकानंद जी से मिला, वो विवेकानंद से मिले थे और विवेकानंद ने मिलकर कहा, भाई इतनी टॉप आदमी था वो, और विवेकानंद तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले गुरुओं में से एक है, तो उन्होंने बोला भाई परोपकार में लगाओ तुम मर जाओगे, क्या करोगे, समाज को वापिस दो कुछ, इतना संसार ने समाज ने दिया है, क्योंकि विवेकानंद कॉस्मोस को समझते थे। विवेकानंद को क्या दिया, धन नहीं दिया, उन्हें धन चाहिए ही नहीं, उन्हें जो दिया वो विरले हैं, किसी और को दिया ही नहीं धरती पे आज तक। हमारे सनातन समाज में विवेकानंद का जो स्थान है कितनों का, इसलिए ये ना सोचे धन मिला, धन तो उनसे कुछ नहीं यार, धन के भी कबाड़ा कर देता, रुला देता, अधिकतर धनवान लोग हमें धनवानी तो पाल रहे, वही तो फीस दे पाते हैं, तभी तो कहते ऐसी चलाओ, बिल के पैसे है पर कोई चला नहीं देता है। पॉइंट क्या है कि विवेकानंद से मिले, मन में जागृति हुई और बोले हाँ भाई दान छोड़ो। जॉन डी रॉकफेलर फाउंडेशन पे उसने पैसा दान देना शुरू किया और पेंसिलिन जैसी समझिए पहली दवा की आविष्कार हुआ, जिसके वजह से डिप्थीरिया, टीबी इत्यादि ये सब बीमारियां ठीक हुई और बहुत सारी चीजों में काम हुआ। मजे की बात, 53 साल की एज में जब इसकी डेथ का परमानेंट डिक्लेरेशन हो चुका था, इसकी तबीयत ठीक होने लग गई। पता नहीं कैसे ठीक होने लग गई यार, ये एनर्जी का खेल है। जब आपने दूसरे को सुख दिया, जब अमोल पालेकर को सुख दिया दीप्ति नवल ने, तो उसने उठा के अपनी बीवी को दे दिया, बीवी को पता ही नहीं था ये सुख आ सकता ना, अमोल पालेकर के बस की थी देना, तीसरे से लिया। तीसरे से सुख लेना है औरों की शक्तियां, अच्छा तीसरे को हम धेला दे के राजी कुछ नहीं। उसने उसको दीप्ति नवल को खाना खिलाया, उसके साथ घूमा, चाय पी, उसके लिए गिफ्ट खरीदी, हम कितनों के लिए करते हैं? आप अपने कॉलोनी में काम करने वाले, घर में काम करने वाले किसी चाकर को भी कुछ दे दो, वो भी कहेगा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, कितना आसान है। आप अपनी खुद की सगी बहन को दे दो कि ये ले बहन, पहले तो कहेगी है 50 रुपए का, 50 नहीं 5000 का चाहिए, फिर वो कहेगी काजू पुराने थे, बादाम तो कोई दे गया होगा इसको, और ये डब्बा तो देसी घी का लग नहीं रहा मुझे, यानी वो खुश ना हुई। तो उसे देने से आपको कुछ ना मिलना, पर देना पड़ता, सामाजिक प्रतिष्ठा है, घर के बड़े बुजुर्गों को समझ नहीं आती इतनी। अब आप अनजान को दोगे नहीं, जहां से खुशी मिल सकती है। अब इस रॉकफेलर ने अनजानों को पता नहीं क्या क्या देना शुरू किया, बिना अहंकार के अहंकार कर दिया, सुना दिया तो वो वेस्ट हो गया उसी क्षण, बिना सोच के, साले तू मेरी जीव जूरी कर, मैंने तुझे डब्बा दिया था। आप वैसे ही नीवे रहते हैं, वैसे ही नीवे रहते हैं, ज़करबर्ग को ऐसे नहीं मिल रहा पैसा, नीवा है, किसी को पैसा मिला, किसी को प्रेम। विवेकानंद को बहुत सम्मान मिला, वो पागल नहीं हुए, अहंकार करते उसी समय वहीं से नीचे गिरते। इसकी तबीयत ठीक होनी शुरू हो गई, इतनी ठीक हो गई कि ये ठीक ही हो गया और 98 की एज में मरा। ये चमत्कार है, ये मरने की सोच बैठे थे, जिंदा रहने का कुछ है ही नहीं। शनि ने कहा, मुन्ना ने कहा, है कैसे मिरेकल, इसे बचाएंगे, सारी दुनिया ने कह दिया मरेगा, सबके मुन्ना ने कलेक्टिव चमको मास कॉन्शियसनेस ने डिक्लेयर कर दिया अब ना मरेगा। तभी तो कहते हैं ये अभी मर जाए, इसे कीड़े पड़े, ना कीड़े पड़ते ना मरता, क्यों ये काम नहीं करती बातें? तभी तो पति बचे रहते पत्नियों से, या पत्नियां बची रहती पति से, उनके श्राप काम नहीं करते, क्योंकि शनि ऑन है। सर अगर समाज से बुराई मिल रही है तो भाग्यशाली हो जाओगे? अगर आपको समाज से बुराई मिल रही है तो आप मोदी बन जाओगे। मोदी चमत्कार करता है, किसी को उत्तर नहीं देता, ये मजाक में समझो, मोदी अपने आप में बहुत बड़ा एनसाइक्लोपीडिया है, उसकी ये चीज पढ़ लोगे समझ लोगे तो इतना सभी जान गए तो सुख आ जाएगा जीवन में। हमें जीवन में सुख आने से मतलब है, मैं नहीं कहूंगा मोदी जी सुखी हैं, पर ये पक्का है वो दुखी नहीं है, ये कला जानता वो व्यक्ति, पर सुखी तो बिल्कुल ना है क्योंकि बहुत शत्रु है, पर वो व्यक्ति सुख और दुख से ऊपर उठ चुका है, उसे सुखी होने की मंशा ही नहीं है। वही तो किक है मोदी जी की, एंडोर्फिन कहां से आते हैं? ये आज मिसाइल के झगड़े हैं, आज वहां पर इल्जाम लगा, आज सारा पंडुब्बी सौदा करना है, शॉपिंग में बिजी है वो, यहां से काम कर रहे हैं। हमने एक दोस्त ने कुछ कर दिया, शाम से गाली शुरू कर दी, साले ये भाई भतीजे चाचा मामा, और सेंसर्ड होते हैं गालियां नहीं बच सकते, तो तेरी तो ऐसी की तैसी। अबे छोड़ो यार, उसके तो उतना ही कोटा था, दफा कर साला। मेरे पास लोग आते हैं, अपने पति की बुराइयां चल रही हैं, बीबी की बुराइयां चल रही हैं, मैं कहता हूँ यार बुराई हटा दो, कहीं और प्रेम कर लो, मैं नहीं बुरा मानूंगा तुम्हें, अय्याशी अफेयर करना है करो, इसको तो ठीक करो पहले। तुम्हारे पास दीप्ति नवल होगी तभी तो परवीन को भी खुश रहेगी। भाई इसके लिए प्रश्न आया है सानी साहब की ओर से, अरेंज करना पड़ेगा क्या कि नहीं? तो अभी तो साथ में धर्म पत्नी बैठी है, तो ये अलग से बात कर लेंगे इस बारे में, क्योंकि रोटी तो आपने भी घर जाके खानी है। कैंडी जी थे मर्जी तक के खाओ। वाह
इन्हों की वोटी कहती जिथे मर्जी धक्के खाओ, कमांड नू ध्यान दो। इन्हों ने धक्के खाण नू कहा, मौजा नहीं। जिथे भी जान गए इन्हों धक्के ही मिलने। आप इनसे प्रार्थना करें, एक अच्छी कमांड दे दो। नहीं देंगी, नहीं देंगी, ऐसा आशीर्वाद कभी ना देंगी। नहीं, मैंने सोच लिया जी, यूएसए जाऊंगा, काली जेट ब्लैक वाली से कर लूंगी। ठीक, काफी काफी है। यूएसए जाके जेट ब्लैक कोई नहीं, इन्होंने कर दिया, जेट तो है उसमें। नो प्रॉब्लम, जेट से नीचे नहीं सोचते सानी साहब। आपके जीवन के अंदर जितनी मौज चलेगी, उतना ज्यादा आप प्रसन्न होके ईश्वर जो दे रहा है उसे एक्नॉलेज करोगे, थैंक्स करोगे। जीवन में राह देखनी बंद कर दो, रॉकफेलर जैसा जीवन हो जाएगा। दे दो, दे डालो, खत्म कर दो, स्यापा मुका दो। हम देते हैं, ईश्वर कितना दे रहा है, हमने जगह बनाई वो फिर देता है। मुझसे किसी ने बोला पीछे कि आप तो ये हर क्लास में ऐसे बता देते हो आसानी से कि ये ऐसे कर लो, इतना आसान, इतना आसान थोड़ी होता है। मैं कहता नहीं होता होगा। बोले तो आप बता नहीं रहे हो, होता है कि नहीं होता है। मैंने कहा भाई नहीं होता होगा, आपको लग रहा है इसलिए बहस करने का मुद्दा नहीं। बाकी वो कहते हैं बाकी गुरु के पास जाओ, उससे पूछो, वो पहले चार दिन ये एक्सरसाइज कराते हैं, पांचवें दिन फिर ये बताते हैं, फिर छठे दिन फिर आधा अधूरा बता के कहते हैं अब यही करते रहो। मैंने कहा बड़ा आसान है। कहते हैं आपको लगता नहीं कि सब बता दोगे तो फिर क्या होगा। मैंने कहा अरे हैरानी की बात इस बात की है, मेरे पास तुक्के से कोई विचार आया, मैंने उसकी क्रिया सोची, बताई, अगला फिर आ जाता है, पता नहीं साला कहां से आता है। मुझे तो हर क्लास में लगता है बस यही एंड होगी, भाई इसके आगे क्या बकवास करूंगा, आगे फिर कुछ नया निकल आता है बोलने को, पता नहीं कहां से आता है। क्योंकि ये सांस अगली पता नहीं कहां से आती है, ओहो जहां से आती है वहीं से आएगा विचार। नेवर एंडिंग एक्सरसाइजेस पता चलेंगी। देना तो शुरू करो, देना तो शुरू करो। गंगा जल ले लिया हमने, अब गंगा के सामने खड़े हो गए 400 बंदे और कहते हैं गंगा जल बाल्टी भर भर के ले जाएंगे, गंगा सुखा देंगे। उन्होंने बाल्टियां ली, वो गंगा जल लेकर के घर चले गए। गंगा बह रही है, गंगा बहरी भी है, उससे फर्क भी नहीं पड़ रहा, सुन लीजिए। अच्छा फिर वो आ गए अगले दिन, फिर आ गए, 10 साल हो गए, गंगा खाली नहीं हो रही, सूख नहीं रही। क्यों नहीं सूख रही? क्योंकि पानी उन्होंने के घर में 40 बाल्टी रख के इस्तेमाल किया, वो घूम फिर के फिर समुद्र में गया, समुद्र ने फिर उसका ग्लेशियर बनाया, ग्लेशियर ने फिर पानी बना दिया। उन्हें समझ ही नहीं है ना धरती पे कुछ घटता है ना बढ़ता है। एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन नेवर बी क्रिएटेड। आप धरती पे ना कुछ बनाते हैं ना नाश करते हैं, वो गोल गोल घूमता है, स्वरूप बदलता है। आप अपने जीवन में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं कर रहे हैं। आपको लक्की होना है, लक्की होने के लिए प्रसन्न रहना है, ईश्वर को धन्यवाद देना है, माइंडसेट में चाहना सोचना बंद करना है। आपको दिन में यह जानना बहुत जरूरी है आप कितनी बार मुस्कुराए, कितनी बार प्रसन्न हुए। आपको प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। आपकी लाइफ में अब ये कमांड ऑन कैसे करें, तो उसके लिए छोटी सी एक्सरसाइज है। आप एक काम करिए, आज हम सभी ना कंप्यूटर ऑन करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं अधिकतर लोग, नहीं करते तो मोबाइल तो करते ही, मोबाइल के बिना तो काम चलता नहीं किसी का। और मोबाइल के अंदर हम अपना पासवर्ड लगा के रखते हैं ताकि हमारी पर्सनल बातें पे दूसरा ना पड़े। अब उसके लिए आपने करना क्या है, आपके अपने जीवन में मंत्र सिद्ध करना है। क्योंकि अब हमें समझ आ रहा है कि यार जो चीज छोड़ देंगे, बोल देंगे, बार बार कह देंगे, वो मंत्र समान कॉस्मोस के पास जाएगा और उसके बारे में सारा दिन भजन नहीं करेंगे यार। तो करके क्या करना है, कल्पना होगी, जैसे ही आप कोई कमांड दोगे कल्पना होती है उसकी, उस कल्पना को ऑब्जर्व कर लो कि यार ये फिर से ऑब्जर्व, यार फिर से मुन्ना सोच रहा है, चलो कोई बात नहीं, ये नहीं सोच रहा, मत सोच नई नौकरी के बारे में मत सोच, ऐसे नहीं करना, फिर वो और सोचेगा। आपने सोच रहा है यार नई नौकरी की कमांड दे दी मैंने, सिखाई थी मुझे और नौकरी लग भी गई, मैंने खुद को देख लिया और मैं नोट भी छाप रहा हूँ और 15 दिन में मैंने बॉस को बोल दिया आई डिजर्व दिस सीट और बॉस ने मेरे लिए कुर्सी खाली कर दी। मुन्ना इतनी स्पीड से सोच बैठता है, तो उसको ऑब्जर्व करो सिर्फ कि अच्छा अब मुन्ना ये सोच रहा है, चल कोई ये कभी नहीं बोलना मैं सोच रहा हूँ, बोलो यार मुन्ना सोच रहा है, माइंड सोच रहा है, ताकि आप उससे अलग हो गए, आप और मुन्ना अलग होने के। तो आपने अपने कंप्यूटर के अंदर पासवर्ड पर क्रिएट करना है आपसे, जैसे किसी को सिगरेट छोड़नी है तो उसके कंप्यूटर के अंदर पासवर्ड ऑन करना है क्विट स्मोकिंग, ये पासवर्ड उसने बना लिया। अब ये रोज जब कंप्यूटर ऑन होता है तो पहले दिन थॉट आएगा क्विट स्मोकिंग, छोड़ना यार क्या रखा बेकार की बात है, पर यार छोड़ना तो मैं चाहता हूँ, नहीं यार ना। तो 4 दिन के बाद धीरे धीरे ये बॉडी की मेमोरी में चला जाएगा, जैसे आपके काम करने वाले लड़के की बॉडी की मेमोरी में चला गया, 15 दिन बाद वो ये नहीं कहेगा बॉस पागल है, नहीं है, वो यंत्र की तरह आएगा, आपकी टेबल साफ करेगा और कट लेगा, शिकायतें खत्म। तो 10-15 दिन के अंदर आपका माइंड सोचना भूल जाएगा, आप जैसे कंप्यूटर ऑन करोगे फट से आएगा क्विट स्मोकिंग, ये आपके लिए सहज हो गया। हाँ जी क्या पूछ रहे हैं? हाँ, इन्होंने बोला वाटर थेरेपी से भी कर सकते हैं, 101% कर सकते हैं। वाटर थेरेपी तो बहुत पहले बात की, ये बहुत बढ़िया रहेगा। आपने कहा था लेकिन ये इन्होंने बोला कि कुछ मैंने चीजें करी लेकिन डेस्टिनेशन पर मैं पहुंची नहीं, उस डेस्टिनेशन को छोड़ दो,
अब बोल के डेस्टिनेशन छोड़ दो, उसको बार बार मत सोचो, क्योंकि कल्पना होती रहती है और माइंड में हम उसे जी लेते हैं, फिर वो होता नहीं है, प्रीलिप हो जाएगा वो। सोचना बंद हो जाएगा, ये चीज बंद हो जाएगी 5-7 दिन के अंदर सोचनी। उसको नियम के तौर पे करो, रोज पानी पीते हैं, कुछ सोचते थोड़ी है। ऐसे ही जब उस स्टेज पे आ जाओगे तब होगा काम। लेकिन अगर कोई चीज बड़ी मांगते हैं तो वो जो हमारी ग्रुप से बात है, मतलब मेडिकल नहीं मांगते, चौंक भी लेते हैं, सोचते हैं। सपोज आपने किसी भी किसी, चाहे भगवान, सपोज भगवान से ही प्रेम मांग लिया आपने, तो ये सब होने में टाइम लगता है। इन्होंने बड़ी गजब की बात छेड़ी है कि अगर हम कोई बड़ी चीज मांग लें ईश्वर से, मान लो भगवान से प्रेम मांग लें, तो क्या ये सब होने में टाइम लगता है? आपके जीवन में आपने जब ईश्वर से प्रेम मांगा तो प्रेम एक सपाट प्लेट पे आपको मिलेगा, वो आपके अंदर ऑलरेडी है। आपको ये देखना है कि आपने ऊपर क्या क्या रखा हुआ है। आपको अब त्यागने का टाइम है, आप छोड़ो। किस किस वजह से आप उस प्रेम के दीवाने हो रहे हो, वो शांति के दीवाने हो रहे हो, वो प्रेम चाहिए जो खराब हो रहा है उन चीजों के रखे होने से। तो आपकी अटैचमेंट्स देखो कहाँ हैं, जहां जहां अटैचमेंट्स हैं, और प्रेम चाहना सोचना बंद कर दो। अब होमवर्क करो, छोड़ने पर आपके अंदर प्रेम अपने आप आ जाएगा। फूल खिलाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही खिलेगा। इसलिए प्रेम पाने के लिए प्रयास बंद कर दो, कर्म बंद कर दो। आपने छोड़ा ही छोड़ नहीं सकते। यदि छोड़ नहीं सकते तो आपका डब्बा तो भरा हुआ है ना, आपका ये ग्लास है, इस ग्लास में आपने चाय भर रखी है। अब आप ईश्वर से कह रहे पानी दे दे। आपने अपने जीवन में मोह भर रखा है, कर्म भर रखा है, गृहस्थ भर रखा है, काम भर रखा है। अब आप कहते हो ईश्वर मुझे प्रेम दे। अगर तो आपने थोड़े थोड़े भर रखे हैं, इसकी बात करते हैं अभी कमांड दी, अगर आपने थोड़े थोड़े भर रखे हैं तो ठीक है। आपने बहुत ज्यादा भर रखा है तो जगह ही नहीं। ये हमारा दिमाग है, ये इतना बड़ा दिमाग है हमारा। हमने इस दिमाग के अंदर 90% 80% जगह मान के चलते फिक्स भर रखी है, फिक्स कि ये चाहिए, एक्स चाहिए। एक्स आपकी प्रमोशन है, आपका मकान है, आपके कुछ भी है, आपके मन की कोई इच्छा, प्रेम है, जैसे आपके लिए प्रेम मिल जाए। और आपका 10-20% दिमाग संसारिक तौर पे लगा है, यानी आप दिन भर में 10% टाइम में मुस्कुराते हो या रोते हो। ना आप ज्यादा रोते हो ना मुस्कुराते हो, क्योंकि दिमाग इतना हिस्सा इफेक्टेड हो रहा है। ये तो जाम है पुरानी यादों से। मेरे भाइयों ने धोखा दे दिया, मेरी बहन ने मेरी नहीं सुनी, मेरे को प्रॉपर्टी का हिस्सा सही नहीं मिला, मेरे बच्चे ठीक नहीं है, मेरे को काम में अच्छा सम्मान नहीं मिला, ये फिक्स है आपके। अब जब आपके काम में प्रमोशन मिलेगी तो आपका 90% ब्रेन खुश होगा उस दिन, वाओ। पर वो 2 साल में होगा, 3 साल में होगा, उतने टाइम के लिए डेड फंसे हुए आप इस चीज में। लड़के लड़कियां होते हैं यंग, अपने ब्रेन के अंदर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड फंसा के रखते हैं, 100% ब्रेन वही है और कहीं है ही नहीं। तो उनके जीवन में अगर बॉयफ्रेंड खुश है तो वो खुश है, अगर वो दुखी है तो उनकी लाइफ में नर्क है, क्योंकि और कहीं कुछ जगह ही नहीं दे रखी किसी को। सारा दिन खुश दुखी होते नहीं। अब जो खुश होगा वही लक्की हो सकेगा, जो खुशी नहीं होगा उसे भगवान देना बंद कर देता है, वो दुखी ही रहता है। तो भगवान कहता है छोड़, इसे कुछ भी दे तो पागल है, सनर होता रहता है। आप अपने बच्चे को कोई भी चीज देते हो और वो मुंह सड़ाए रखता है तो अगली बार आप अनमना देते हो कि कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, दफा घर साले, कोई फायदा नहीं, यूजलेस है इसको कुछ भी देना। तो आपने ये बहुत ज्यादा एरिया बंद रखा है, 10-20% ही आप सुखी दुखी होते हो, तो आपका ये एरिया बढ़ाना पड़ेगा। आपको यहां से छोड़ दो चीजें, क्योंकि आपके जीवन में 2 साल में जब कुछ मिलेगा तभी आप खुश होते हो या दुखी। 10-20% आप बढ़ाओगे तो भी मटेरियल में आ जाए ना, तो वो 80% आप प्रभु के ध्यान करते हैं, तो उनके हस्बैंड जो भी करते हैं, 10-20% तो काम कर, जो मेरे फर्ज में करूंगी, कोई भी करेगा। तो अगर वो 80% तो आप सोचते जा रहे हो कि कब प्रभु का प्रेम, कैसे कुछ भी है, भगवान की कब दया होगी मेरे, या वो चलता जा रहा है 10-20% आप काम अपने कर रहे हो। तो अगर ये भगवान का प्रेम अगर आप कम कर दोगे जो आधार है जीवन का, तब तो आप फिर मटेरियल में आ जाओगे। उन्होंने बोला है कि भाई अगर 80% जगह ही आपने ईश्वर के प्रेम को दे रखी है तो 10-20% तो कार्य करने में लगे हुए जीवन में, तो आप भगवान के प्रेम को कैसे घटा सकते हो? पहले तो प्रश्न में ही आपका उत्तर है कि अगर 80% जगह प्रेम की दे ही रखी है भगवान को तो फिर परेशानी क्या? परेशानी 10-20% की नहीं है, 10-20% ही प्रेम है और असल में परेशानी 80-90 है। इसको माइंड को सेट करो, ये मुन्ना आपको कंफ्यूज कर रहा है। आपका प्रेम इतना है और दुख इतना है, तो आप प्रेम तो ओवर पावर कर रहा है उसे, एक्चुअली आपका दुख इतना है और प्रेम सिर्फ इतना है। आप चाह क्या रहे हो? चाह वो रहे हो जो आप में नहीं है। हमारा शरीर प्यास कब मांगता है, पानी कब मांगता है? जब प्यासा है। जब प्यास ही बुझ गई तो पानी मांगेगा ही नहीं। ये मुन्ना कंफ्यूज कर रहा है कि मुझे आपको क्या चाहिए, उसको चाहना सोचना बंद करो। अब बंद नहीं होता, मुन्ना करेगा, छोड़ो किसी, कृष्ण पे छोड़ो, कृष्ण पे छोड़ो। और कृष्ण पे छोड़ने का एक
संसारिक तरीका बता रहा हूं, उसके बाद मानसिक तरीके की बात होगी कि आप अपने पासवर्ड बना लो, ये क्विट स्मोकिंग, ठीक है। इसके कई तरीके हैं, एक बैनर ले लो, कागज उस पर लिख दो क्विट स्मोकिंग और अपने सामने रख लो। मैं यहां से मैंने अपने बताने के लिए बता रहा हूं, यहां पर एक लेंटर तोड़ के ऊपर की फ्लोर के लिए सीढ़ी बनवाई है एक्स्ट्रा, ठीक है जी। अब उस सीढ़ी में भाई नॉर्मल सीढ़ी नहीं है, छोटी सीढ़ी है, तो मैं चढ़ रहा हूं उतर रहा हूं, कभी कभी स्लिप कर जाते थे, तो उसका दरवाजा है जो ऐसे खुल के बंद होता है, ऊपर से सीढ़ी हो जाता है, एसी चलेगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, बाहर से भी दरवाजा है पर लगता है इसे खोलो ऊपर जाओ कौन चढ़े यहीं से यार, फट से चढ़ गया उतर गया, सामान रखा है कुछ है, तो अपना वहां पर स्लिप होते रहते थे जी, पैर स्लिप हो रहा प्लान से। तो मैंने कहा यार बड़ी समस्या है, ये सीढ़ी हमें गिराती रहती है, तो सीढ़ी का करें क्या। तो उसका जो फट्टा ऐसे बंद होता था लेंटर पे, उसको खोल के सामने मैंने पेपर पे लिख दिया स्लो, लंबी सांस, ठीक है। तो जब भी उतरने लगो सामने पड़ता था स्लो, ओ स्लो, उस समय पता नहीं कितनी जल्दीबाजी में मैं उतर रहा हूं, तो लगता था अरे यार, फिर पड़ा स्लो स्लो लंबी सांस, ओके कभी नहीं गिरे, आई अब कल गिरना पड़ेगा वो कभी नहीं गिरे। क्या हुआ, अब वो पेपर उड़ फुड़ गया है, निचुड़ गया है, मैंने फटाओ भी हटने नहीं दिया कि रहे, क्योंकि स्मृति में वो अब बॉडी की मेमोरी में आ गया है, वहां पहुंचते हैं मेरे कदम अपने आप रुकते हैं, लंबी छोटी लंबी सांस लेता हूं, अब निकल लिए फटाफट। अब ऐसे में आता हूं कि मुझे अवार्ड दिया जा सकता है, अवार्ड बड़ा वाला, ऐसे हवा की गति कितना पवन पुत्र की कृपा से उड़ता हुआ आता हूं। मतलब कहने का है कि आपकी बॉडी की मेमोरी में चला गया, अब ये फर्क भी नहीं कि स्लो आना है नहीं आना है, वो सिस्टम में आ गया। तो आप कागज एक लिख लो, यहां लिख लो बड़ा बड़ा, नो टेंशन, सिर्फ पीस, ऐसे लिख लो पीस, तो जब आप वो देखोगे थोड़े दिनों में आपका पीस हो जाएगी। पॉजिटिव कमांड लिखनी, नेगेटिव में सीकेपीएम लिखवाया बहुतों को, चलो कोई बात नहीं, अब वो यूं ही नजर पड़ती है, दिमाग कहीं चल रहा है, यूं नजर पड़ी चल ठीक है, फिर उसके बाद वो मेमोरी में चला गया। अब आपको ना जानबूझ के करना ना समझबूझ के, महीने के बाद आप एक्चुअली कूल डाउन हो चुके हो, वो धीरे धीरे डाउन आ चुका है। आप लिखोगे ना कुछ स्मोकिंग, हर बार टाइप करोगे, 15 दिन बाद आप कहोगे क्या इतना लंबा भेल्ला साला बना दिया ये मैंने स्यापा, और आपको मैटर नहीं करेगा स्मोकिंग क्विट होए ना होए, या किसी का 2 महीने में होगा किसी का 3 में, आप देखोगे आपकी स्मोकिंग छूटनी शुरू हो गई, पता नहीं क्यों। ये रहस्य ईश्वर पे छोड़ो, वो अपने आप करता है, कृष्ण पे छोड़ दिया, थोड़े दिनों में छोड़ना सीख जाओगे आप। अगले आप लिख लो, मैं बढ़िया वाला बताता हूँ, लंबा सोचो, जब चाहो उत्तम चाहो बड़ा चाहो निकृष्ट, छोटी मोटी चीज का फायदा नहीं, ट्रिप टू यूरोप, ठीक है अबे लिखो ट्रिप टू यूरोप। फिर अंदर से मुन्ना कहेगा अबे फक्कड़ तेरे बस की तो कुछ है नहीं साले कंगले, कहां से लाएगा पैसे तो है नहीं, छोड़ ना पासवर्ड है। ये मैटर करना बंद कर जाएगा कुछ दिनों में, 15 दिन महीने 2 महीने में, क्या रखा है इसमें साला, यार ट्रिप टू यूरोप। फिर आप ना किसी से डिस्कस करोगे ना किसी से बोलोगे, ये सहज हो जाएगा, कृष्ण ऑन हो जाएगा आपके, पता नहीं कहां से बन जाएगा कहीं का, चाहे वो मालदीव्स का बन जाए, यूरोप ना बने लेकिन बनेगा, पक्का बनेगा, क्योंकि यूरोप अगर आपने प्रीलिव कर लिया इतने दिन में तो यूरोप नहीं बनेगा लेकिन कुछ और बनेगा, गारंटेड बनेगा। फिर आप लिखो न्यू हाउस, शुरू शुरू में ये प्रीलिव कराएगा, बहुत लफड़े कराएगा, फिर पता लगा न्यू हाउस नहीं आया, छोटी सी दुकान खरीदी। जब आप इसमें वरदहस्त हो जाओगे यानी परफेक्ट हो जाओगे, तो आपको ये मंत्र सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, वो करेगा, उस पर छोड़ना सीख जाओगे, ये धीरे धीरे एक लत पड़ जाएगी आदत। आखिर में लिखो ऑल इज गुड हैप्पी, आप देखेंगे 2 महीने बाद अगला पासवर्ड हैप्पी, आप हैप्पी हो, हैप्पी हेल्दी बॉडी। हेल्दी व्यक्ति कौन है, हेल्दी वो है, बहुत गहरा राज है इस शब्द में, हेल्दी, हेल्दी वो है जो हील कर सकता है दाए दूसरे को, जो दूसरे को हील कर सकता है, यानी खुद इतना ज्यादा हील्ड है, इतना मस्त है, इतना सुखी है कि वो दूसरे को कर सकता है, तभी हम किसी किसी से मिलने से कहते हैं मजा आ जाएगा। जब हम कुत्ता खरीदने जाते हैं तो वो लकी क्यों होता है घर के लिए, कहते हैं काले रंग का कुत्ता रख लो भाई साहब, दुमकटा होगा तो और भी अच्छा, उसके भाई साहब आने के बाद तो लाइफ में लॉटरी, अच्छा उसके बाद लॉटरी लगती है, उसके बाद अच्छा होता है। ये फीलिंग से हम गए और हमने कुत्ता खरीदा, भाई लॉटरी लगती है सुना इससे, देखे यार फिर वाकई लगती है। हमने दूसरे का भाग्य जोड़ना जरूरी है, बीबी का जुड़े, बच्चे का जुड़े, पति का जुड़े, बहन का जुड़े, किसी का जुड़ेगा। आप घर में सोफा खरीद के लाते हैं, बस सोचो आओ पधारो हमारे देश, हमें सुखी करो यार, बस इतना बोलना है, वो सोफा सुखी करेगा, तरेड़े नहीं पड़ेंगे, खराब नहीं होगा, वो कृपा मिलती है। हम लाते ही ऐसे सड़े मन से यार, कलर दीवारों से मैच नहीं करेगा, सोफा सुन लेता है। आप कहेंगे क्या बावली बातें हैं, सोफा भी कभी सुनता है, बस यही ज्ञान जब हो जाएगा ना कि प्रकृति में हर चीज आपसे इंटरेक्ट करती है, तो आप जान जाओगे आपका सोफा मैच नहीं करता दीवारों से, थोड़े दिनों के अंदर उसके कपड़े फाड़ जाता है, कोई पेंट लगा जाता है, कुछ भी खराब करता है, दीवार खराब हो जाती है, आपको खुश होना ही नहीं आता। अरे लक्की इंसान है ही वो जो खुश होना जानता है,
वो जानता है, वो देता है, वो देना जानता है। एक मोची था एक पास, उस मोची के पास रोज के 100 रुपए की कमाई होती थी, जूते काटता था, बैठते चौराहे पे मोची, वो भी चौराहे पे था। अब जो आते जाते बोले भाई वो शर्मा जी का घर इधर, वो ए ब्लॉक कपड़े का उधर, भाई साहब वो वाली दुकान का है, ये 3 गली छोड़ के बताया मुड़ जाना। सबको बताता रहता था रास्ता सारा दिन में। कोई नहीं, कुत्ता आता था उसके पास, पंछी आते थे उनके लिए दाना डाल दिया, बिस्किट ले लिए। एक देवदूत आया करता था, जब वो चौराहे क्रॉस करे, देखे यार ये लोगों को बताने समझाने में लगा है। कई लोगों को दुकान छोड़ के गली कोने तक जाके बताता था, बोले यार ये आदमी थकता नहीं। फिर 100 का नोट कमाना, 10 रुपए के बिस्किट, 10 रुपए का दाना, वो भी बांट देना। बोले यार ये आदमी साला सारी जिंदगी ऐसे ही देखा मैंने, 10 साल से ये यही काम कर रहा है, ये उठता ही नहीं, कैसे फूटे नसीब लिखे भगवान ने इसके, ये लकी कब होगा, ऐसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति। चलो जी, समय की बात, ईश्वर के पास गया, वहां बोला उसने, भगवान वन क्वेश्चन। बोले हाँ जी। बोले वो जो बैठा है मोची क्या है वो, बड़े बड़ों के दिन बदलते देखे हमने, इसका कुछ नहीं होगा। बोले अरे यार ये बहुत पैसे वाला था पूर्व जन्म में, पर ना वक्त नहीं बिताता था किसी के साथ, परिवार के साथ इसने ढेला समय नहीं बिताया, इसलिए इसे इस जन्म में कंगला पैदा करना पड़ा है। बोले ये क्या बात है प्रभु। बोले कोटा, इसका कोटा बच गया है, किसी से बात नहीं, सीधे मुंह बात नहीं करता था, कुछ करने को राजी नहीं, परिवार से सब वक्त नहीं बिताया इसने, घर में कुत्ते बिल्ली किसी को पूछता नहीं, लात मारता था, अब इसे वो करना पड़ रहा है, कर्म भोगना पड़ेगा। बोले तो भगवान ये तो है ही कुछ नहीं, इसकी कमाई है, तो कुत्ते बिल्ली पालता, लोगों को बताता। बोले कर्जा उतार रहा, जब इसका कर्जा पूरा होगा तभी सहित होगा। बोले भगवान ये तो बड़ी विचित्र बात है यार, कोई तो तरीका होगा। बोले बस अब समय पे छोड़ दो, कोटा कटा तभी कुछ होगा। देवदूत आ गया जी अपना, वो एक दिन बैठ गया उसके पास आकर के। बोले यार मैं क्या बताऊं देवदूत हूं मैं। बोले अच्छी बात है, सारे देवदूत है मेरे लिए। बोले तो पागल है साला, मेरे को इतना नहीं पता था कि दिमाग से भी खराब है। बोले चाय पियोगे, देवदूत ने कहा चल पिला दे। बोले पैसे तेरे पास होते नहीं। बोले नहीं कोई बात नहीं, अपनी चाय में से आधी कप में डाल के दे। चाय पी उसने, बोला वाह बड़ी जरूरत थी इस चाय की, बड़ी ताजा दम हो गया। बोले बिस्किट, बोले साले कुत्तों के बिस्किट खिलाएगा मुझे। बोले अरे कुत्ते के नहीं है ये कुत्ते नाम लिखा है, खाए कोई भी वही शरीर बनेगा। बोले यार बातें देखो ज्ञान की करता साला, पूर्व जन्म का संस्कार है साले का, मुझे पता पोथी पत्री, दान बहुत करता था पीछे, यही दान का संस्कार है जन्म में भी है इसके, इसलिए देता है। चल कोई बात नहीं, चाय वाय पी। बोले देवदूत जी क्या बताया ईश्वर ने मेरे बारे में। बोले कुछ नहीं कुछ नहीं, जीवन है तेरा ऐसे चलेगा। बोले कोई नहीं, दाता की देन है, मौज है हमारी। बोले यार तू खुशी रहता है सारे टाइम। बोले मुझे नहीं पता मैं क्यों खुश रहता हूँ। बोले मुझे चाहिए ही कुछ नहीं, मुझे लगता है मैं पूरा हूँ, मैं भर गया हूँ, मेरे पास सब है। बोले अच्छा चाय के पैसे तो ले ले। बोले उसी से लिया, उसी के लिए खरीदा, उसी को पिलाई, किस चक्रों में लगे हो। देवदूत पसीज गया, उसने उसे आशीर्वाद दिया कि भाई जीवन के अंदर मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसे कुछ चाहिए नहीं। बोले चाहिए नहीं, तुम जैसे देवदूत से फ्री आशीर्वाद मिल रहा है। बोलो ना चाहने का नतीजा देखो। देवदूत ने आशीर्वाद दिया, उसके कर्म समाप्त हुए और जन्म में खूब धन धान्य चीजें इत्यादि प्राप्त हुई। ऐसे लोगों के दिन बदलते हैं भाई, 50 साल तक कंगला था, फिर इसके पास बंगला था, ये कैसे होता है, अचानक कृपा कहां से बरसती है, गए गुजरे भिखारी के पास ये कृपा कहां से आई। सोच के चलो, इसे कहते हैं लकी हो गया, अचानक चाय बेचता था मोदी, चाय वाले का बेटा है, कल्पना नहीं कर सकते कहां पहुंचा है। मतलब अगर मोदी जी को छोड़ दो भीड़ के अंदर तो मोदी जी कहां है पता नहीं चलेंगे, सब अलग अलग टुकड़े करके ले जाएंगे। ये माइकल जैक्सन और बीटल्स के बाद पहला इतना पागलपन उपद्रव शुरू हुआ है, मोदी जी के लिए इतना प्रेम है लोगों के लिए, मरने को तैयार है, कोई बड़ी बात नहीं, कल को उन्हें कुछ हो जाए तो 20 लोग आत्महत्या कर लेंगे उनके मरने पर, ये फैक्ट है। ही इज अ सुपर हीरो, सुपर स्टार। ये क्यों है, क्योंकि आपने अपने दुख बड़े प्रेम और शांति से भोगे और वो दुख लगे ही नहीं, आप दुख की ही कॉपियां बना रहे हो, रो रहे हो पिट रहे हो। लकी लकी मैन लकी, आपके जीवन में आपने रोना पिटना चूज ही नहीं किया, किसी ना किसी देवदूत का आशीर्वाद मिल जाएगा। आपको दिल से आशीर्वाद देने वाले व्यक्ति दुनिया में घूम रहे हैं, आपको लेना नहीं आता। कटोरा है, ईश्वर देने को राजी है, दाल मिलेगी। कटोरा है नहीं, मांगे जा रहे, दे 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 दे, हे भगवान दे दे। भिखारी भिखारी कब तक बनोगे, जब तलक भीख मांग रहे हो अनलक्की हो। लकी शब्द का अर्थ क्या है, आप देते हो, आप मांगते ही नहीं। कौन है लकी, जो देता है। कैसे बना भिखारी लकी, क्योंकि वो देता था, भगवान ने कह दिया भाई तू मेरे से भी ले ले, उसने देना ही शुरू कर दिया। ईश्वर आपको तब देना शुरू करेगा जब आप देने लायक हो और भोगोगे, वरना आपके पास बहुत चीजें आएंगी, बहुत प्रॉपर्टी आएगी, ईंटें बना बना के मकान बना लोगे, भोग नहीं पाओगे, इस जन्म में भोग नहीं पाओगे। आपके पास समस्या कहां शुरू होती है सर। पेन में लकी कैसे महसूस करें अपने आप को, पेन में, मतलब मैंने बोला पेन है, तकलीफ है, उसमें लकी कैसे महसूस करें।
भाई पैर पे चोट लग गई कैसे लकी महसूस करे, लकी इंसान क्या महसूस करता जब उसको चोट लगती है? वो क्या, वो लकी क्यों है? क्योंकि जब उसको चोट लगती है वो कहता है साली टांग कटने से बच गई शुक्र है, मतलब वो सही चीज कंपैरेटिव, उसने सही चीज देखना, उसने खुशी होना है, उसका कुछ भी हो जाए। सारे संत जो हुए हैं, कबीर हुए, रसखान हुए, मीरा हुए, दे वर जस्ट हैप्पी मैन, साली दुनिया पूछ दी उन्हें, वो है ही खुश, कुछ भी हो जाए रोना नहीं है। आप अपने घर को हेट करते हो, अपनी बीवी को, बच्चे को, भाई को, दोस्त को, नौकरी को, लगातार हेट ही तो करते रहते हैं हम। अबे खुश क्यों नहीं होते हैं? खुश करने के लिए भगवान क्या करे? गुरु जी, हाँ जी, अगर 10 साल का बच्चा अपने दोस्त की एप्पल वॉच देखकर हमसे वैसे ही मांगे कि खरीद के दो, तो हम उसको ऐसा क्या बोलने के लिए कहें कि वो उसकी लाइफ में खुद ही मैनिफेस्ट हो जाए? क्या बात है, बहुत सुंदर बात है कि ये कह रहे हैं कि अगर 10 साल का बच्चा अपने दोस्त की एप्पल वॉच देख के मांगे, फरमाइश करे कि भाई मुझे भी एप्पल वॉच चाहिए, तो एज अ पेरेंट ये ऐसा क्या कहें या करें कि उस बच्चे की वो चीज मैनिफेस्ट हो जाए, यानी कि प्रकृति कर डाले? तो पहली बात है, इनको पहला पॉइंट सोचना है कि अब मुझे नहीं जुड़ना है। आप समझ लीजिए ग्रेविटी होती है यहां, इस पर टाइम स्लो है, आपको कांटों पर बिठा दिया जाए तो आपको लगेगा सालों साल बीत गए, पागल हो गए हम, और यहां ऊपर 4 days 3 nights फटाक से बीत जाता है। तो ईश्वर फटाफट कब करेगा? जब आप जुड़ना बंद करोगे। अब बच्चे की इच्छा से आपने नहीं जुड़ना है कि हो जाए, आपको ये कमांड देनी है, सोचना है, विचार करना है, और चल यार बच्चे तो ऐसे ही मांगते रहते, सारा जहां कम है इनके लिए, इसके नसीब में लिखा होगा आ जाएगी, आप फ्री हो गए, आप फ्री हो गए, बिल्कुल फ्री हो जाओ। हम अपने बच्चों के लिए और प्रार्थनाएं करने बैठ जाते हैं, भीख मांगने बैठ जाते हैं, उसे बंद कर दो। गुरु जी मेरा सवाल ये था कि हम उस बच्चे को ऐसा क्या बोले कि वो अपने से कुछ, मतलब जो वो सोचना शुरू करे, वो हमें, हम तो फ्री हो गए, आपने तो बताई कि उससे हम तो फ्री हो गए कि हमने अपने आप को डिटैच कर दिया, लेकिन हम उस बच्चे को, वो कहना भी मानता है सारी चीज, मतलब सहना बच्चा है, लेकिन हम उसको एज अ पेरेंट क्या सिखाएं, ऐसा है क्या उसको कहें कि बेटा आप ये चीज करो और करके छोड़ो, क्या ऐसा हम उस छोटे बच्चे को समझा सकते हैं कि उसके लाइफ में उसको धीरे धीरे ध्यान अपने आप ही आना शुरू हो जाए? इन्होंने बोला है कि हमारा बच्चा, हमारा रोल तो हमने फ्री कर दिया बोल के चलो यार हमें हमारे बच्चे से अलग होना है, और झंझट खत्म कर दिया कि इसके नसीब में होगा, हो जाएगा, तो हम ऐसा पेरेंट क्या ऐसा करें ताकि उस बच्चे के साथ ऐसा हो जाए? आप कुछ नहीं करो, यही करो, भगवान ही इसको ज्ञान देगा। आप कह रहे ना ज्ञान आ जाए ताकि हर चीज मैनिफेस्ट करे, खतरा है, अगर उसने एक बार सीख लिया कि एप्पल वॉच आ गई, एक दिन वो बम भी मांग लेगा, प्रकृति से ये भी मांग लेगा कि सारी जायदाद मेरी हो जाए, दुनिया के ऊपर रूल करूं, सबको कत्ल कर दो, कुछ भी मांग लेगा, इसलिए उसको पिटने दो। ज्ञान देने का ठेका आपका नहीं है, नहीं है, नहीं है, ईश्वर देगा, ईश्वर इस समय समय करेगा, इसलिए जब ईश्वर को ही ठेका तो वही करके देगा। अभी बताता हूं इसके ऊपर, ये यही पेंडिंग रखो, ये प्रश्न का उत्तर भी आएगा। आपका टाइम स्लो होता है ग्रेविटी पे, दोबारा हम बात कर लेते हैं इसकी। आप जब किसी चीज से जुड़े आपका टाइम स्लो हो जाएगा, यानी भगवान धीले धीले काम करेगा। आपको जुड़ना छोड़ना है, सीधा छोड़ो भाड़ में जाए। आपकी कोई चीज फंसी हुई है, आपकी प्रॉपर्टी फंसी हुई है, कहीं अटकी हुई है, आप सीधा सोचो लिखी होगी नसीब में, ठीक है। आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही, आपके पास 20 वर्कर है, आप हाय तोबा मचाने में लगे हो कि फैक्ट्री चल जाए, आपको कमांड चेंज करनी है, आपको बोलना है यार इन 20 के नसीब में तनख्वाह में से लेनी लिखी होगी तो चल जाएगी, अब चलेगी, उनकी तनख्वाह जरूर निकल आएगी। अगर आपका टाइम बुरा और आपके पास प्रॉफिट नहीं आना, नहीं आएगा, लेकिन उनकी तनख्वाह गारंटेड निकल आएगी। ये कमांड है, सीखना है, समझना है। शांत दिमाग ही सोच सकता है बगैर जुड़ा हुआ। ये बगैर जुड़ा हुआ कैसे बनेगा, इसको समझो। लकी अनलकी का फर्क कहां है? एक व्यक्ति के पास एक फोन है, इस फोन के साथ वो फर्स्ट क्लास अपना काम कर रहा है, ये फोन थोड़ा सा खराब हो जाता है। जब खराब हो जाता है तो ये सोचता है यार नए मॉडल का ही ले लूं, इससे तो अच्छा, यहीं से पंगे शुरू होते हैं। ये नए मॉडल का एक फोन देख के ऑर्डर कर देता है, फोन नंबर 2। इस दौरान में इसकी बातचीत हुई थी यार दोस्तों से, भाई भतीजों से, और मामा जी ने कहा यार फोन नहीं है इसको, एक फोन में भी दे, और मामा जी ने एक फोन और दे दिया। अब इसका लफड़ा फंस गया, ये फोन भी ठीक हो गया, ये रिपेयर होके आ गया, इसमें सारे उसके डाटा थे, चीजें थी। अब इसको डाटा ट्रांसफर का टाइम नहीं मिलता, जो अक्सर नहीं मिलता कि कल डालूंगा कॉन्टैक्ट, ईमेल कर दूंगा। कहने वाले कहेंगे बड़ा आसान है यार, एक दिन में होता है, जब किस्मत काम करती है तो आसान काम मुश्किल हो जाते हैं। इसके पास दूसरा फोन और आ गया। अब ये लोग कहेंगे यार क्या नसीब वाला बंदा, साले दो छोड़ तीन तीन फोन है। अब ये रात को चैन हराम होना शुरू हो गया इस आदमी का, इस लक्की आदमी से पूछो कि इसकी किस्मत फूट गई तीसरा फोन आते। अब ये परेशान है, मैंने नया खरीद लिया, इसे मैं फेंक नहीं सकता, बेच नहीं सकता,
ये मामा जी ने दे दिया, साला मामा को जवाब क्या दूंगा, इसे फेंकू कहां, बेच नहीं सकता, यूज ना करूं तो मामा अलग गाली बकेगा, साले तेरे को फोन दिया था तूने रोना रोया था, आज के बाद तुझे कुछ नहीं दूंगा, तूने मेरा फोन यूज नहीं किया, ये भी ठीक हो गया। अब इसके बुरे दिन शुरू हो गए, इसकी प्रमोशन होते ही, लक्की दिन होते ही बुरे दिन शुरू हो गए। ये उसी प्रकार है, एक लड़की दुखी थी, एक बॉयफ्रेंड नहीं मिलता, उसको तीन मिल गए, अब वो कहे मैं किस किस से बात करूं, मैं तो हेलो रोहित और हेलो मोहित एक दूसरे को भेज देती हूँ, कंफ्यूजन। तो ये जब भगवान ज्यादा दे रहा है ना तो बहुत डेंजरस सिचुएशन में, आप लकी नहीं हो, आप अनलक्की हैं, आपका दुर्भाग्य शुरू हो गया है। इसको मामा को खुश करना है, ये फोन यूज करना पड़ेगा, ये इसने चाव से खरीदा नया मॉडल, ये यूज कर सकता नहीं, ना करे तो दिल दुखता है, और ये ठीक हो चुका क्या करे, आपके पास एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं आनी चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये भी अपना एक फोन किसी को दे दे, जब तक ये देगा नहीं ईश्वर नई वैकेंसी नहीं बनाएगा। आपको एक पैटर्न जानना है, आप अपने 10 साल के जीवन को उठा के देख लेना, स्कूल टाइम से उठा लो, 20 30 40 साल से, कि आपके पास हमेशा से ना एक दोस्त रहा है, एक दोस्त रहा ही है, कभी ये रहा था कभी वो रहा था कभी वो, लेकिन वो रहता ही है यार, दूसरा बनता है, एक सेमी दोस्त सा रहता है, और आपके पास ना दो गाड़ी रहती है, एक गाड़ी रहती है या दो गाड़ी कुछ रहती है, वो रहती है, हमेशा ही रहेंगे यार आपके पास, हमेशा हमेशा से ऐसा कुछ रहा है कि आपके मकान में ना सीलन रहती है, वो पैटर्न है आपकी लाइफ का, वो हमेशा रहती है, थोड़ी सी सीलन पता नहीं क्यों रहती है, हमेशा ऐसी स्थिति होती है कि जब भी आप ये वाली चीज, ये वाली तारीख, ये वाले काम पे जाते हो, साला कुछ टोक लगती है, हमेशा कुछ होता है, ये पैटर्न है, अपनी लाइफ का पैटर्न जज करो, और उस पैटर्न में कभी भी क्लेश नहीं डालना, नहीं तो ईश्वर वो भी छीन लेगा। आप ये रोना नहीं रो सकते यार, जब देखो मैं गाड़ी लेने की सोचता हूँ ना, साले पैसे ही कम होते हैं, आपको लोन लेने पर ही गाड़ी सूट करती है, आप भाग्यशाली हो, आपका लोन अप्रूव हो जाता है, आप हमेशा देखते हो आपकी गाड़ी पे साला डेंट पड़ता ही पड़ता है, साले बहुत सारे आ गए आज, बहुत डेंट पड़ता ही पड़ता है, ये डेंट पड़ता क्यों है यार, और आप ध्यान देंगे कि आप हमेशा बच जाते हैं, आप बहुत लक्की हो, आपकी गाड़ी ने डेंट ले लिया, आपकी बॉडी पे डेंट नहीं पड़ा, आपके जुगाड़ हो जाते हैं, आपके अरेंजमेंट हो जाते हैं, जुगाड़ वाले लोग उल्टा रोते हैं यार, जब देखो साले क्या यार पैसे अरेंज करने पड़ते हैं, अरे तुम्हारा जुगाड़ हो जाता है, तुम जुगाड़ पे पूरी जिंदगी क्यों नहीं चलाते, मजे में चलाओ, लोग जुगाड़ पे रोते रहते हैं यार, अब नहीं मैं अब नहीं लेना, अरे प्रकृति तुम्हें दिला के छोड़ेगी, वो तुम्हारा पैटर्न है लाइफ का। कई लोगों को जैसे मकान नहीं बनते, उनके सूट नहीं करते, तो मैं उदाहरण देता हूँ, कहते हैं जी पूरा बनाना मकान बनता नहीं, जी प्लॉट लेके बैठे रहते हैं बनता नहीं, तो उनको हम टोटका बताते हैं कि ऊपर की फ्लोर तीसरी मंजिल के ऊपर चार पिलर खड़े करके छोड़ देना, कि जब कोई देखे कहे यार ये क्या अधूरा मकान बना रखा है, ये क्यों बना रखा है, पागल हो क्या तुम, तो तुम्हारा जो ग्रह है, सितारा है, भगवान है, वो भी देखे कहेगा पूरा मकान तो इसको देना नहीं था, अच्छा इसने अधूरा छोड़ रखा, ठीक है चल, ये टोटका है। शादी नहीं हो रही, लोग पीपल से शादी कराते ना, उसे लक्की बनाया जाता है, अब शादी पति से नहीं टूटेगी, क्योंकि ग्रह भाग्य भगवान कहता है, एक शादी छूट चुकी है पीपल से हुई थी, उसे कोई लेन देन नहीं हो चुकी, आपके आपके कहीं शरीर में तकलीफ है, कहीं दर्द है, आपको परेशानी बैठती है, जिस अंग पे तकलीफ है ये टोटका है, जिस अंग पे चोट है, दर्द है, उस पे वो लकड़ी का फुट्टा आता था ना, फुट्टा बोलते हैं जिसे, उसके चार थप्पड़ मार दो, चार चोटें और लग गई, वो उतने पे ही रुक जाएगी, प्रॉब्लम उतने पर ही रुक जाएगी, कभी नहीं बढ़ेगी। आपके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, पैसों का लॉस हो रहा है, कहीं घाटा हो रहा है तो ये बड़े सीक्रेट बातें, लेकिन चलो अब तो मैंने तो बताने की रखी है, तो नोट ले लो एक 500 का, सिर्फ हरे नोट से काम होगा, या 5 का नोट ले लो, उसकी फोटोकॉपी बनवाओ कलर, नहीं तो चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया के नोट आते हैं, ठीक है, जो बच्चे खेलते हैं उनसे, हरे रंग के ही लेने हैं, वो नोट लो, पर्स में रखो थोड़े से, और उन नोटों को कभी खर्चना ही नहीं है, क्योंकि खर्च सकते ही नहीं है, उसके बाद उसमें से एक नोट कभी कहीं फेंक दिया कभी कहीं, अब आपसे नोट खो गए, आपके नोट खो गए हैं एक्चुअली, वो नकली है, उससे ग्रह को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं ना ग्रह का चढ़ावा देकर आओ, चीज का दान देकर आओ, डॉक्टर के पास जाओ चढ़ावा देकर आओ, बीमार नहीं निकलोगे, आपको बेकार ही वेस्ट किए, बेकार वेस्ट नहीं किया आपने, आपने ये बोल के उस पैसे को भी वेस्ट कर दिया, आप बोलो कंफर्म हो गया चलो अभी ठीक है, आपके ग्रह ने 1000 रुपए दिलवाने हैं रिपोर्ट के लिए डॉक्टर के पास, आप दे नहीं रहे हो, वो बीमार डाल के दिलवाएगा, इसलिए खुद दे आओ, आप बीमारी नहीं पड़ोगे, ये सब टोटके हैं, ऐसे लोग 5-5 के 5-5 रुपए नोट कहीं कहीं खिलाते रहो, खोते रहे तो आपके नोट खो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। तो गिरे हुए मिले तो सर, जिसको गिरे हुए असली मिल जाए वो उसके अच्छा होता है, सब अच्छा होता है, वो अच्छा होता है, नकली मिल जाए तो अपने रख के वो आपने फिर फेंक दिए, वो आपके पास से कुछ चीज लॉस हुई है, आपने खोया है, वेस्ट किया, हम खोए हुए को एक्सेप्ट नहीं करते, हमारे जीवन में जो जा रहा है उसे एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, असली खोने नकली खोने में फर्क है, इन्होंने बोला असली खोने और नकली खोने में भी फर्क है क्या, ये उतना ही फर्क है कि आपकी शादी हुई और शादी टूट गई तो आप रोएंगे, आपकी शादी पेड़ से हुई और टूट गई तो आप कहेंगे आहा, यही तो फर्क है, बस इतना फर्क नहीं, यही तो फर्क है, एक दुखी एक सुखी, आप सुखी हो खोने से सुखी हो,
आप डॉक्टर को पैसे देकर खुश होते हो कभी? अगर ये सीख गए कभी जिंदगी में डॉक्टर बुलाएगा नहीं। आप लकी हो ना, सीख गए, आपने साला खुश होना नहीं छोड़ना। डॉक्टर को पैसे दे, ले यार तू ले। आप मजे की बात समझेंगे, मैं एक डॉक्टर साहब, मैं उनके पास जाता हूँ, उन्हें वैसे प्यार हो गया मुझसे वैसे प्यार हो जाता सबको। तो बोले छोड़ो छोड़ो बाप से क्या पैसे लेने, छोड़ो कोई बात नहीं। वो इतना बोल देते फिर मैं दे देता हूँ, पर वो कहते छोड़ो छोड़ो। मैं कहा डॉक्टर साहब कभी तो तंग करके लो। फिर रिसेंटली फिर मैं गया उनसे कोई बात राय में, अच्छा प्रॉब्लम मेरी क्या राय मिलाने की, जो दवाइयां उन्होंने देनी होती मैं वो नहीं लेता, मैं पहले अपनी बताता हूँ। मतलब डॉक्टर साहब मेरे को ये वाली समझ आई, आपका क्या ख्याल है? तो शुरू में कहते हैं इसे गोली मारनी है, पर आंखियों से गोली मारूं तो काम चलेगा नहीं, बंदूक खरीदने के पैसे नहीं है, तो गुमराह करते हैं। फिर मैं उसको भी पकड़ लेता हूँ कि भाई डॉक्टर साहब ने तो आपने मुझे झूठ सच बोला है, आता मैं रहूंगा, फीस दे देता हूँ, इसलिए नफरत नहीं कर पाते। अब रिसेंटली उन्होंने मेरे को बोला नहीं नहीं पैसे आप मत दिया करो यार, अजीब लगता है, दवाइयां भी आप खुद ही ले लेते हो और खुद ही काम कर देते हो, फायदा नहीं है, मेरे को मत दिया। मैं कहा डॉक्टर साहब प्लीज ले लो यार, आपके पैसे रखे मेरे पास, दे ले, आपका चढ़ावा देता हूँ मैं, उससे ठीक हो जाता हूँ, बीमारी क्या है उसको भूल जाओ, आपके पैसे देने मुझे। बोले कहां से आते हैं आपके पास? मैंने कहा कई लोग मुझे भी दुखी होकर पैसे देते हैं। वो मेरे नहीं होते, अब वो मुझे कहीं देने हैं। बोले तो इसका मतलब आप सारा दूसरों की पनाती मेरे सिर डाल रहे हो। मैंने कहा आप डॉक्टर आप हजम कर लोगे, क्योंकि आपके पास भी दुखी नहीं आना है, मेरे पास भी दुखी नहीं, पर आपके पास शारीरिक रोग जो मेरे शरीर को लग रहा है, जो ऊर्जा नेगेटिव आती है, वो मुझे दे के आनी है। पर पीछे उन्होंने बड़ी जिद की, नहीं नहीं नहीं, मुझे बॉटल देके आनी पड़ी फिर उसके क्योंकि मुझे ये पता सही में दुखी हो गई थी। उनको नहीं नहीं करेंगे, उसको उन्होंने जो खुश होके ऐसे दिया, अरे क्या जरूरत थी, ऐसे लिया उन्होंने। मैं ठीक है डॉक्टर साहब, अब तो आपको क्लियो मिल गया, आपको नेक्स्ट टाइम आप क्या दो ही ना, बहुत महंगी पड़ती है। बोतल का साइज छोटा है, अब क्या करें, देखेंगे समय आने पर, समय आने पर। साथ में वाले भी आते हैं, देखो जिनको नॉलेज है मैं उनसे ही संबंध रखूंगा। मैं पीता नहीं, मैंने वहां पर भी आते नहीं लगाई, हाथ तो लगाना भी नहीं होता। मेरे संगियों ने मेरे से कितने लीटर, चार लीटर 8 लीटर मंगवा ली, तो दूसरों को तो मत तड़पाओ ऐसे बोल। उन्होंने पूछा मुझसे, और तो फिर फुक चिकन में तो मैं क्या हाथ में लगाते हैं इसको, सीधा डायरेक्ट होना चाहिए कोई तो चलेगा, हाथ नहीं लगा, बाप बेटे ने हाथ नहीं लगाया ना। अच्छा क्या जी, आपने जैसा मन को भाए वैसे चलो, वेज नॉन वेज का कोई लफड़ा नहीं है। तो खैर अब हमारे पास रहती है, समय का अभाव है, थोड़ा सा एक एक्सरसाइज करेंगे हम, उसके बाद विराम देंगे क्लास को। अभी मैं पास प्रेजेंट फ्यूचर की बात थी, वो फिर नेक्स्ट क्लास देखते हैं, ईश्वर ने चाहा तो होएगा। एक क्वेश्चन हाँ जी, एक क्वेश्चन। आपने बोला कि हमें भगवान प्रभु और ईश्वर में डिफरेंस रखना है चीज मांगने से पहले, तो जो क्रिश्चियन और सिख होते हैं वो किस में डिफरेंस रखते हैं? इन्होंने बोला जो भगवान, मुश्किल प्रश्न पूछा, क्यों पूछा मुझे पता नहीं, हाय हाय। अच्छा तो भाई जब हमने तो भगवान ईश्वर प्रभु अलग अलग ड्रामे करने हैं, तो जब क्रिश्चियंस और सिख मांगते हैं तो उसमें क्या है, फर्क क्या है? तो आप ध्यान देंगे इसमें सिख शब्द का, सिख होने से आपा ही खत्म कर दिया है, उन्होंने एक गुरु ले लिया और गुरु चरणों में सब छोड़ दिया, यानी मैं स्यापा नहीं पालना, मैं तैनू देता, खत्म हो गया जी स्यापा। भगवान कौन सा प्रभु, भाड़ में जैसा लिए उनको भी भाड़ में भेज दिया सिखों ने। और दुनिया में 2% सिख सबसे ज्यादा बड़े दानवीर हैं पूरी दुनिया में, इनसे ज्यादा बड़ा दान कोई करता नहीं। यार क्या ट्रिक है, आप सोच के चलो, सिर्फ सिख धर्म में ही ऐसे हैं, उन्होंने भगवान का स्यापा भी खत्म कर दिया, खत्म। अगर आप ये स्यापा खत्म कर सकते हो तो टीले वाले बाबा भी आपका काम करेंगे, क्योंकि काम आपके विश्वास ने करना, आपके छोड़ने ने करना है, आपके ऊपर के चक्र पे आने ने करना है, आपको त्यागना सीखना पड़ेगा। सिक्स और क्रिश्चियंस में इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव को इंपॉर्टेंस दी है, गॉड को नहीं, इनके लिए गॉड एक अलग ही एंटिटी है, व्हाट दे डू इज और व्हाट दे वर्शिप इज द रिप्रेजेंटेटिव, जो जीसस है और जो गुरु है, इसकी वजह से ये बोला है कि जो क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म है, इन सब में गॉड को, भगवान को लफड़े में नहीं रखा गया है, इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एक सन ऑफ गॉड है, जीसस ने बोला मैं सन ऑफ गॉड हूँ, प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला कि मैं उनका मैसेंजर हूँ, दूत हूँ, और सिर्फ हमारे धर्म में झंझटबाजियाँ बताई हैं, इसलिए हमारा धर्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे देवी देवता, भगवान एक इमेज के तौर कभी करेंगे इसमें, ये अलग अलग ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं, बुध ग्रह जो रिप्रेजेंट करता है वो दुर्गा को करता है, मंगल जो है हनुमान को करता है, ऐसे ऐसे अलग अलग ग्रहों के देवी देवता है, सरस्वती जो है वो राहु ग्रह है, केतु जो है वो गणेश है, लेकिन हमारे तो अवतार ये अवतार नहीं है, कृष्ण वो कृष्ण है अवतार, शिव गणेश ये अवतार नहीं है, देवी दुर्गा अवतार नहीं है, हनुमान अवतार है।
हनुमान जो है वो परमेश्वर ही माने गए, बाद में शिव के ही स्वरूप माने गए हनुमान भी। तो अवतार एक अलग चीज है, विष्णु के अवतार तो ऐसे स्वरूप कृष्ण भी माने गए, उन्हें पूजा जाता है, लेकिन ये ग्रह है, कृष्ण एक कॉन्शियसनेस का नाम है, कभी देखेंगे इस पर बात होगी। तो गुरु जी जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनको हम भगवान मानते हैं, लेकिन पार ब्रह्म भी तो है, परम ब्रह्म, वो इनसे भी ऊपर है जिनसे ये ऊर्जा लेते हैं। पार ब्रह्म जो है, और ब्रह्मा विष्णु महेश ने बोला है, उनको मानते हैं, लेकिन पार ब्रह्म है। पार ब्रह्म जो है वो बिना आकृति के है, ब्रह्मा विष्णु महेश उनको आकृति दी गई है एज पर रोल ऑफ जनरेट ऑपरेट डिस्ट्रॉय, वो एक अलग ही आयाम है, अलग डायमेंशन है। लेकिन जो अव्यक्त ईश्वर है, अव्यक्त जिसकी शाब्दिक बात नहीं की जा सकती, वो शिव है, महेश उसका रूप है। शिव जो है वो निराकार है, तभी कहते हैं एक ओंकार, कोई आकार साकार के चक्कर में मत फंसो, वो ब्रह्मांड में ध्वनि से आता है। ये कहीं और चली जाएगी बात, इस पर कभी और सोचेंगे, फर्क नहीं है जिसके, उसके बारे में क्यों बताऊं। तो अभी हम एक एक्सरसाइज करते हैं, ये छोटी सी, आंखें बंद करेंगे आराम से, पैर अलग हाथ अलग, आराम से बैठेंगे, हाथ पर हाथ ना हो, पैर पर पैर ना हो, हथेलियां ऊपर की ओर रहेंगी हाथों की, और मानसिक तौर पे अपने किसी भी ईश्वर जिसको आप पूजते हैं उसको ले, मैं कृष्ण शब्द बोल देता हूं कि कृष्ण, आंखें बंद करके उसको पास लेकर आओ, और चाहे इमेजिन करो कि वो कृष्ण आपके पास सामने बैठा है और आप उसे निहार रहे हैं, वो आपको देख रहा है, देखकर आप कृष्ण को कहते हैं कि हे कृष्ण, बहुत देख लिया, अब मेरी ओर पीठ करो और पीठ करके आगे चलो। वो कृष्ण आपके पीठ दिखाते हुए आगे की ओर चलेगा और आपको उसके पीछे पीछे चलना है। अब आपको जहां जाना है, काम पर, जॉब पर, ऑफिस में, कृष्ण को आगे आगे लेके चलो, और उसके पदचिन्हों पे सोचो आप पीछे चल रहे हैं, जितने पत्थर आ रहे हैं उनकी ठोकरों से बचते बचाते, लेकिन आपके आगे कृष्ण चल रहा है और उसकी पीठ है आपकी ओर, चेहरा नहीं है। उस कृष्ण के साथ चलते हुए सोचो, हे प्रभु, दाता बनाए रखना, भिखारी नहीं, मैं सिर्फ दे सकूं, क्योंकि जैसे तू मुझे दे रहा है, निरंतर रास्ता दे रहा है, श्वास दे रहा है, जीवन दे रहा है, रास्ते का पथ प्रदर्शक बन के आगे चल रहा है, बस ऐसे ही पीछे मैं चलता रहूं, कहां जाना है कहां नहीं जाना है मुझे लेना देना नहीं। कृष्ण को सारथी के तौर, ड्राइवर के तौर पे आपने मात्र इतना कहना है, चलो ऑफिस चलें, और कृष्ण आगे आगे पीठ दिखाता हुआ आपको ऑफिस ले जाएगा। कृष्ण घर चलें, कृष्ण घर लेकर आएगा। कृष्ण शॉपिंग चलें, कृष्ण कोर्ट चलें, कृष्ण आज दुकान पे चलें, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा फायदा करा दे, मेरे को पैसे दिला दे, कृष्ण बस आगे चलना है, उसके पीछे पीछे अनुयायी बन के रहना है। और हे परमात्मा, तुझसे एक ही मांग है कि देने लायक बनाए रख। जब आप ऑफिस पहुंच जाएं, फैक्ट्री पहुंच जाएं, कोर्ट कचहरी पहुंच जाएं, शॉपिंग के लिए पहुंच जाएं, कृष्ण को बोलो विश्राम करें, आप 5 मिनट बैठे, मैं शॉपिंग करके फिर आया या आई, दोबारा से मेरे आगे चलो। अपने जीवन में इस एक्सरसाइज को रेगुलर करो, घर से निकलते समय जहां देवता है, मानसिक है, चाहे आपने मंदिर बना रखा है, वहां से उसे उठाओ और बोलो चलो चलें जी, साथ साथ आगे आगे पीठ दिखाते हुए आपको फॉलो करना है। आप जीवन में सिर्फ पीछे चलेंगे, आपको समस्या है, डॉक्टर के जा रहे हैं, चिंतित है मन, मुन्ना परेशान कर रहा है, डरा रहा है, बोलो कृष्ण डॉक्टर के जाना है, आगे चलो, ईश्वर की पीठ देख के चलो और उसको फॉलो करो। आपको प्रश्न नहीं पूछने, सामने बैठोगे बहस करोगे, हर समय यही लेके चलो कि वो दाता देने लायक बना के रखे। भाग्यशाली वो व्यक्ति है जो दे सकता है, जो भीख मांगता है वो भिखारी है, इसलिए भगवान से भीख नहीं मांगनी, वो दाता बना के रखे, खत्म। अब अपने कृष्ण को, अपने देवता को जहां से उठाया था वहां वापस पहुंचाओ और आंखें खोलो आराम से। पूर्ण नियम से ये गांठ बांध लो, मंदिर में जाने वाला भिखारी नहीं बनना। जब आप देने शुरू करोगे चीजें, आपके पास अपने आप आएगा पैटर्न है लाइफ का। हम देते नहीं, हम क्या दें, पैसे तो है नहीं, टाइम दे दो, रास्ता बता दो, प्रेम दे दो, शांति दे दो, हम दूसरे को राय देते हैं, राय, ऐश्वर्या राय, बलवंत, इधर बलवंत राय, उसके तो कुत्ते होते हैं, दाएं मोड़ बाएं मोड़, यहां मत जा वहां मत जा, नो, कोई जरूरत नहीं है, आपसे पूछे तो ही दो, बिन पूछे दे रहे हो, फालतू में उल्टी कर रहे हो। भगवान आपको दाता बनाता है, वो भरपूर देता, आप इतना देते हो आपसे संभलता नहीं, अपने हिस्से की कमाई, अपने हिस्से का धन, अपने हिस्से का समय, अपने हिस्से का प्रेम दो, हम देते नहीं।
और याद रखो जिसको दे रहे हो वो कदर नहीं करता तो वो तो वेस्ट गया। जो दे के थैंकफुल हो रहा है उसने आपको कुछ दिया, अब आप अमीर हुए हो कुछ और दे पाओगे। हम अपने बच्चों के लाड से नहीं थकते, हम पड़ोसी को ही समझाने से नहीं थकते, छोड़ दो ये बच्चे कच्चे खानदानी रिश्ते, मोह माया है ये, दिस इज ऑल मोह माया, ये सब दिमाग में एग्जिस्ट करता है। बहुत छोटी बात करेंगे, ये एक पास्ट होता है मनुष्य का, ये प्रेजेंट होता है और ये फ्यूचर, ये तीनों समय काल माइंड में होते हैं, एक्चुअली कहीं नहीं होते। पास्ट वो वाला प्रेजेंट है जो बीत चुका, जो समय समय परमात्मा है, प्रेजेंट के वाला याद में हो गया वो पास्ट शब्द कहा जाता है, और जो इमेजिनेशन में है कल्पना में है उसे फ्यूचर कहते हैं। ये भी प्रेजेंट है, ये फ्यूचर वाला प्रेजेंट है, ये पास्ट वाला प्रेजेंट है, ये अभी का प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट ही है। सारे समय आपका हर कोई आज ही मरता है, कल कोई नहीं मरता, कि कल मरेंगे, कल भी जब आएगा तो वो आज बन जाएगा हर बार। वो कल मरे थे वो याद है, लेकिन जब मरे थे वो प्रेजेंट था, उस समय मरे थे, उसके बाद नहीं मरे। हर व्यक्ति प्रेजेंट में ही रहता है, और प्रेजेंट में रहते हुए पास्ट अपने नाते रिश्ते फालतू के, फ्यूचर विचार चीजें बनाना फालतू के छोड़ दो। छूटता नहीं, छूटता नहीं, आदत है, नहीं छूटेगा, एक लेक्चर सुनने से नहीं छूटेगा। रोज कृष्ण को उठा के लेके चलो, उसकी पीठ पे चलो, देवता के सामने खड़े होकर बकबक करने का फायदा नहीं, फॉलो उसकी पीठ दिखाओ और निकल लो। घर में जब भी गणेश जी रखे जाते हैं उनकी पीठ पे दीवार होनी चाहिए, जो दीवार नहीं होती उस घर में उल्टा दरिद्रता आती है। रॉन्ग देवता को कॉल लगाई है, आपके लाफिंग बुद्धा के स्टैचू आते हैं चिकड़ी, लाफिंग बुद्धा उसकी पीठ पे, बुद्ध के फेस उसकी पीठ पे दीवार होनी चाहिए। अगर दीवार नहीं है और खुला एरिया है तो उल्टा दरिद्रता आएगी, नेगेटिविटी आएगी, लोग फेसेस लगा लेते, घोड़ों के चेहरे लगा दिए, आपको पता ही नहीं है गलत कर रहे हो। या तो किसी से पूछ के लगाओ जिसे ज्ञान हो, नहीं गलत लगाओगे नुकसान होगा, और आप यही सोचते रहोगे हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। अरे मेहनत के लिए ऊपर वाला रखो ना, उसे नौकर बनाने को राजी तो है वो, जब वो अर्जुन का नौकर बन सकता तो हमारा क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि हम अर्जुन नहीं बनते। अर्जुन बनना सीख जाओ, हमारी भी चाकरी कर लेगा। हरेक के साथ अंग संग खड़ा है ईश्वर, उसको फॉलो करना है। हम ढूंढ रहे हैं ईश्वर हमें शांति दे, आगे चल तू, शांति पे लेके जा, दफा कर, वो भी तू ही दे। हे भगवान मुझे मेरे से मेरे पाप धुलवा दे, ओ हेलो हरिद्वार भी तू ही लेके बुला, सारे से आप पे उस पे डाल दो। कई लोगों को बताता हूं मैं, पितरों की कृपा लो, मांगना है सिर्फ पितरों से मांगो, भिखारी मत बनो, ईश्वर से मत मांगो, ईश्वर फीश्वर कुछ नहीं होता, सब शब्दों का खेल है, वो दाता बनते ही आपको देना शुरू कर देगा। ये कह रहे हैं पितरों से मांगे तो उन पर भार तो नहीं होता, पितरों को पता होता है क्या देना क्या नहीं, वो फालतू की चीज भी नहीं देंगे, वो रास्ता बना देंगे। अगर कोई चीज बार बार मांग रहे नहीं मिल रही तो पितरों से बोलो, हे पितरों ये विचार ही मन से निकाल दो, होना नहीं होना आप जानो, मेरी खोपड़ी खराब हो रही है, वो गायब कर देंगे, देखना कुछ का कुछ कर देंगे। हम अपने डीएनए की रक्षा कर रहे हैं, हमारा डीएनए हमें मारेगा नहीं, उसी की वजह से तो जिंदा है, वही पितर है। हमको कमांड्स देनी नहीं आती, हमें मांगना नहीं आता, हमें लक्की होना नहीं आता, हम सारे लक्की ही तो हैं। छोटी छोटी क्रियाएं हैं, ये करो और लकी महसूस करो, लकी हो, हैप्पी रहना पड़ेगा, किसी चीज पे क्लेश नहीं। टाइम जोन में हम रोते रहते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक ही टाइम है, कभी टाइम पे क्लास हुई, ईश्वर ने कराई तो ये करेंगे, ये भी वही कराएगा। अगर दोस्त ही हैप्पी बना लो तो, दोस्त हैप्पी बना लो तो वो मतलब काली सुर्ख वाली वैसे कुछ थी बात नहीं, सिद्धार्थ दोस्त है अच्छा, इन्होंने कहा दोस्त बना लो बहुत बढ़िया सा, तो फिर वो भी हैप्पी है। हैप्पी दोस्त के पास हम अपने आप जाते हैं, अपने आप जाते हैं, लो जी इनका काम हो गया। हैप्पी दोस्त के पास हम अपने आप जाते हैं, आदमी शराब पीने नहीं जाता दोस्तों के पास शाम 7 बजे, वो हैप्पी होने जाता है। यार हैप्पी नहीं हो पाते, क्यों नहीं हैप्पी हो रहे? लोग फिल्में देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हैप्पी होने के लिए हम हर समय लकी महसूस करना चाहते हैं कि यार हमारे को कुछ नहीं करना यार, सब अपने आप हो रहा है यार। वो सब अपने आप कैसे होगा? जब प्यार करोगे हैप्पी रहोगे। आपके काम वाली उसको सारे टाइम सड़ सड़ के बोलो अनहैप्पी, तू काम ठीक नहीं करती, तू छुट्टी बहुत करती है, तू फलाना करती है, वो जितना करती थी वो भी छोड़ देगी। कैसे काम वाली टिकती हैं? उनको सारे टाइम प्यार से बोलो बढ़िया किया, ठीक किया, देखिए और सुधर जाए, ये भी तूने ठीक किया पर देख ले अगर ये और हो जाए तो। ऐसे ही भगवान, हे भगवान तूने दिया तो है लेकिन यार बहुत नहीं दिया, थोड़ा और देते। ये कहना तूने दिया ही कुछ नहीं, सांस दे रखी, आंखें चल रही हैं, नाक चल रहा है, पूरी हड्डियां सलामत है, लिवर किडनी सारा फंक्शन सही चल रहा है, प्रॉपर्टी है, रो रहे हैं, प्रॉपर्टियां भी हैं, जमीन जायदाद, बीवी बच्चे, साला इतना लिस्ट बनाओगे पागल हो जाओगे, लिख नहीं पाओगे एंड तक, और फिर रो रहे। रोने का हक ही नहीं है हमें, कितना कुछ दे रखा है। आपके शरीर में हड्डी टूट गई, आप कहते हैं भाई शरीर चलने लायक नहीं रहा, गलत कमांड, एक हड्डी टूटी है बाकी 200 तो 5 तो ठीक है, एनी गलत कमांड।
रोना रापा अनलक्की व्यक्ति ही रोता है। आपको रोना है, आप अनलक्की हो जाओगे, नीचे के चक्कर पे चले जाओगे, टाइम स्लो हो जाएगा, भगवान धीरे काम करेगा। ये मत सोचो जिसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है, वो जितने बहुत प्रॉपर्टी पैसे वाले होते हैं ना, मेरे पास भी आते हैं बतेरे, ज्ञान दे जाते हैं मुझे, क्या रखा है जी, दो रोटी खानी है, एक ही बेड, एक बेडरूम पे सोना है, क्या करना जी, मैं तो परेशान हो गया जी, दो प्रॉपर्टी पे केस चल रहा है, एक पे भाई हिस्सा मांग रहा है, वहां पड़ी है वो संभलती नहीं। बड़े दुखी है, बड़े बड़े दुखी, बड़े वाले गाड़ी में दुखी, लंबी लंबी गाड़ी खरीदते हैं, फिर परेशान हो रहे, इसका इंश्योरेंस देना रह गया, उसके बिल देने रह गए, इसके ड्राइवर रखने पड़ रहे हैं, इसमें डेंट लग गया, टू मच आपके पास हो जाएगा। अब आप रोने की तैयारी कर लो, लकी होने के लिए थोड़ा बहुत चाहिए और भोग सको, दो ही उसूल, जो है वो भोगा और दूसरा है भगवान दाता बनाए रख। अगर फिर भी भगवान से मांगना, जैसे मैं मांगता हूं, मेरा मांगना क्या है, मैं भगवान से ही कहता हूं, हे भगवान बड़ी जोर से मन कर रहा है यार ये दिला दे, पर यार जरूरत की हुई तभी दिलाइयो, खुद ही कमांड कैंसिल कर दी कि जरूरत की होगी ना तो दिलाइयो, क्योंकि जरूरत की चीज अपने आप आएगी और उसे भोगूंगा, अगर वांट इच्छा की चीज दिला दी तो भोग तो पाऊंगा नहीं, तो मांग के अचार डाला, पड़े पड़े परेशान होऊंगा, फिर यार इतनी महंगी गाड़ी खरीदी है, जंग खा रही है गैराज में, ना नहीं चाहिए, जरूरत की चीज देना ईश्वर, जब मांगो हे भगवान इसकी जरूरत पूरी कर। जरूरत आपकी बड़ी वाली है कि यार बस एक बंगला है छोटा सा बड़ा सा न्यारा, तो छोटा बंगला ही बड़ा सा न्यारा सा आपका बन जाएगा, जरूरत है कि यार मैं इसी में रहूंगा, बट क्या खुश हो, ओके डन टिक, अहंकार आएगा मिलेगा दूर पड़ा रहेगा, रह कभी नहीं पाओगे, शिफ्ट कभी नहीं कर पाओगे, सिर्फ इतना खेल कि जरूरत की चीज देना दाता जो देगा, और आप देते रहो खुल के हाथ से, रिप्लेसमेंट आती रहेगी, आज से फोन देना शुरू कर देना, देखो एक्स्ट्रा जिसके पास है एक बैग रख देना सत्यवान, अपना जुगाड़ तो करें भाई, लोगों को ज्ञान ले ना ले, अपना लालच तो पूरा करें, इसलिए एंजॉय करें और जैसे भी हो खुशी ढूंढो, दिन में चार बार मुस्कुराओ और अपने देवता को आगे आगे लेके चलो, जौन सा वाला पसंद है, सारी ऊर्जा आपके पास रहेगी और कमी ना छोड़ो, कमीने बनो, नलायक बनो, लकी हो जाओगे। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके समय के लिए और आपके जुड़ने के लिए, नमस्कार। ओके जी नमस्कार, ओके जी नमस्कार 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 मुझे पता भी रुके करेंगे, मैं अपने आप करूंगा, निश्चिंत रहो, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, करेंगे निश्चिंत, ओके जी, अच्छा जी नमस्कार, कॉन्फिडेंस बड़ी मुश्किल से, चलो जैसे बढ़िया, हाँ वो पहुंचाता है, ईश्वर सारे काम करता है, ये क्या नहीं करता, उसने आज तक सब किया ही है, दिया ही है, दाता देता ही है।